गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम सबका फेवरेट टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो सबको बड़ा पसंद है, वो है बैंक निफ्टी। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय व्यू फॉर 3rd Jan 2022, द फर्स्ट ट्रेडिंग डे फॉर ईयर 2022। Before I start with the standard disclaimer, I am not SEBI registered. Please consult your financial advisor before you do any investment based on these items. मैं एक लेट्स लर्न प्लेटफॉर्म से हूँ। लेट्स लर्न करके ग्रुप चल रहा है पिछले 1.5 साल से। यह ग्रुप सिर्फ एक फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमने कुछ ऐसे लोगों से टाई अप किया है, कुछ ऐसे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं। कुछ हमारे पास पेड मेंटर्स भी हैं, वो आके हमें नॉलेज शेयर करते हैं। बट हमारी कोशिश यही होती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्री करें। वी हैव नॉट बीन चार्जिंग एनीथिंग टू एनी मेंबर्स। इफ एनीबडी आस्क यू फॉर द पेमेंट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, प्लीज गेट इन टच विद मी। बैंक निफ्टी एक हम सबका बहुत फेवरेट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। इट्स अ वेरी फेवरेट फॉर एवरीबडी एंड एवरी इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने हमें पिछले कुछ दिनों में बहुत अजीब अजीब से मूवमेंट्स दिखाए हैं। लोगों ने कहा ये लेवल है, वो लेवल है, बट नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी नो इज। मैं जो भी करूंगा वो हमने पहले अपने क्लासेस में या अपने वेबिनार्स में कन्वर्ट किए डिस्कस किया हुआ, हम वैसे ही चलें। नाउ हम सबसे पहले पॉइंट पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी गैप एनालिसिस। द फर्स्ट हमारा जो होएगा दैट इज ऑन द गैप। इफ यू ऑल सी बैंक निफ्टी हैड अ ब्रेकडाउन एंड मेड अप ए गैप आउट हियर एंड यू विल अप्रिशिएट टुडे दैट गैप गॉट फिल्ड। सो पहली एनालिसिस में हमारा ये था जो हम लोगों ने आज तक वेबिनार में किया, गैप एनालिसिस। तो ये गैप था बैंक निफ्टी जो भरा नहीं था, इसका जो अपर पार्ट वो आज बैंक निफ्टी ने भर दिया। सो द गैप इन द बैंक निफ्टी व्हिच वाज परसिस्टिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड। यू सी दिस गैप आल्सो, देयर वाज अ देयर इट गॉट फिल्ड, देयर वाज अ गैप आउट हियर, दिस इज आल्सो फिल्ड, देयर इज अ गैप आउट हियर गॉट फिल्ड, देयर वाज अ गैप आउट हियर, दे ऑल गेट फिल्ड। सो गैप्स आर मेड टू बी फिल्ड एंड द फर्स्ट एनालिसिस इज that the gap in the bank nifty got filled. So I will write it here. Gap on the higher side bank nifty got filled. So there is no gap now persisting in bank nifty for us which needs to be filled. All the gaps have been filled. Now, if we see the part two, I will remove this part. The gap analysis has been done, so I will remove this part. Now, this is the part of the gap. Now, if we go by the technical terms, आप बड़े ध्यान से देखो, bank Nifty and higher high बनाते हुए जारी सिर्फ एक level पे यहाँ पे आके उसको resistance मिला। अब हम इसको और थोड़ा सा deeply एक अरे तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। मैंने अब लाइन सारी हटा दी टू मेक द स्पेस। दिस वाज द स्पेस वेयर द बैंक निफ्टी ओपन्ड ऑन 17th December। उसके बाद द बैंक निफ्टी मेड एन हाई ऑन 23rd December, दैट इज एट दिस लेवल। नाउ व्हाई दिस लेवल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेक अ स्मॉल कनेक्शन इन द विड्थ ऑफ द लाइन। Now, आज सारा दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर ही रही है। So the bank nifty respected this high. अगर मैं इसका एक छोटा सा जोन बनाऊं जहां पे एक बॉडी को टच कर रहा है एंड विक को टच कर रहा है, so this is the range where the bank nifty remained throughout the day. This is the first candle at 9:50 and which finished at 10:50 and then all its remaining. And from where the bank nifty was getting the sell is the lower of this candle. So let's mark this one also.
So the bank Nifty is respecting this caps last जो पार्ट था इसका जो अनफिल्ड था उसको आप रिस्पेक्ट कर दें. So we write bank Nifty respecting the higher side of the cap. हमने ये भी वेबिनार में किया था कि यहाँ पे इसको आके रेजिस्टेंस फेस होती है हमेशा. So it is facing a resistance out here. अब मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि इसी चार्ट में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है एंड वी कैन एनालाइज विच वे द बैंक निफ्टी कैन गो. सो आई एम रिमूविंग, आई एम पुटिंग अप दिस एंड आई एम ट्राइंग टू जस्ट नाउ डू इट फॉर ऑल ऑफ यू. अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ. 1 आवर पे बैंक निफ्टी ने एक, अब हम इसको टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसको ले जाते हैं 30 मिनट्स में. तो आप पहले देखें कि फर्स्ट 30 मिनट्स की जो रेंज थी, लेट मी रिमूव दीज लाइंस, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, जितनी ज्यादा लाइंस होती है उतना कंफ्यूजिंग होता है. तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमारी जो अपर एंड लोअर लिमिट है वो बैंक निफ्टी अभी रिस्पेक्ट करती है. अब ये बैंक निफ्टी की आज सुबह की ओपनिंग रेंज थी, दिस इज द फर्स्ट 30 मिनट्स रेंज, दिस इज द 9:15 कैंडल विच क्लोज्ड एट 9:45. सो आज बैंक निफ्टी ने सारा दिन अपने फर्स्ट 30 मिनट्स के ओपनिंग रेंज को ही नहीं ब्रेकआउट किया. बट दिस गिव्स अस, तो ये क्या मतलब कि बैंक निफ्टी साइडवेज होगी? ऐसा नहीं. आप इसी लाइन को अगर आप ऊपर ले जाके करोगे और आप इसको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो, दैट इज द लोअर ऑफ दिस, तो ये आपका बन जाता है एक व्हाट वी कॉल ए क्लासिकल फ्लैग पैटर्न. बेस्ड ऑन व्हाट एवर इज बैंक निफ्टी इज शोइंग, मुझे जो व्यू है, मेरा व्यू बैंक निफ्टी में बुलिश है. आई मे बी रॉन्ग, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. सो माई व्यू इज लिटिल बुलिश ऑन बैंक निफ्टी. तो मैं यहां से 35,481 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ, तो व्हाट रेंज आई एम लुकिंग एट? सो आई एम लुकिंग एट अप्रोक्सीमेटली कि बैंक निफ्टी मेरी जाएगी 36,130 के लेवल्स पे. दैट इज, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं देना चाहता, तो मैं इसको दो टाइम फ्रेम पे देखूंगा. सो एक ये मेरा है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, अब मैं इसे बड़े आर फ्रेम टाइम फ्रेम पे भी, बड़े आर के टाइम फ्रेम की जो है जो लेंथ है वो अगेन फिर इस पॉइंट से लेके द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर इट आई थिंक इट स्टार्टेड इट्स जर्नी इज दिस वन. ये इस पॉइंट से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने अपनी ऊपर की जर्नी शुरू की. सो मैं अब इसी स्टिक को उठा के अगर यहाँ पे रखता हूँ इसी फ्लैट के, सो मेरी एक रेंज और बन जाती है बैंक निफ्टी की, वो करीब ये ऑन द हायर साइड इज गोइंग टू बी माय रेंज फॉर बैंक निफ्टी. इसको मैं एक ट्राइंगल से मार्क कर. सो आई एम लुकिंग एट ए रेंज ऑन द हायर साइड इन बैंक निफ्टी इज टू बी, द रेंज इज फ्रॉम 36,000, राउंड फिगर लेके चलते हैं, टू 36,250. ये एक मेरी ऑन द अपर साइड रेंज होगी. इस पैटर्न को जो हम कह रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसको हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न, ठीक है? और ये हमारी रेंज फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे हुई. ये आपको बहुत सारे स्टॉक्स में भी मिलती है और ये आपका एक बड़ा फेवरेट ट्रेडिंग पैटर्न है. मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ. अगर आप इसी को, अगर आप अब छोटे टाइम फ्रेम पे हो 15 मिनट्स पे देखो, इसने कितना प्यारा ये फ्लैग एंड पैटर्न बनाया, बट आपका बेस फिर यहाँ आ जाता है. आप इसको 5 मिनट्स पे देखो तो आपको ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग एंड पैटर्न, एक पूरा अच्छा खासा फ्लैग एंड पैटर्न बना. सो दिस इज माई व्यू ऑन बैंक निफ्टी फॉर कि अगर ये अपसाइड ब्रेक किया तो ये हमें कितना बड़ा रेंज दे सकते. नाउ अब ये तो अभी एक बात होगी कि भाई अब अगर ये तो
होता है नो नो पैटर्न विच एवर इज मेंशन्ड इन टेक्निकल एनालिसिस नॉट एब्सोल्यूट पैटर्न देयर आर पैटर्न्स विच फेल्स आल्सो। अभी दो दिन का टाइम है, मंडे तक भगवान ना करे कोई गलत न्यूज आ जाए एंड वी देन हैव टू सी दैट द बैंक निफ्टी इज गोइंग द अदर वे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा व्यू थोड़ा बुलिश है। मैं अपना अपनी तरफ जो रेंज लेके चल रहा हूँ, मेरी अपर साइड की रेंज इज फ्रॉम 36,100 टू 36,250 विच वी मे सी इन नेक्स्ट कमिंग वीक। इट मे हैपन एंड मे नॉट हैपन बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ये होएगा शायद। मैं आपको किसी तरह की कोई पोजीशन लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता। नाउ देयर इज अ सेकंड वे ऑफ ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, देयर इज अ सेकंड थिंग व्हिच हैज हैपेंड, दिस इज नोन एज रैली बेस्ड। रैली में क्या होता है कि जहां से इसका पैटर्न ऐसा बनता है कि आपका स्टॉक यहां से ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल जाता है, काफी देर कंसोलिडेट होता है एंड वापस नीचे की तरफ गिर जाता है। दिस इज नोन एज अ रैली और ए आइलैंड काइंड ऑफ अ पैटर्न व्हिच इज अ ट्रेडिंग। ये मेंशनड है, हमने अपने फेसबुक के पेज में भी डाला है, ये मैंने कहीं एक और स्टडी पेज से निकाला था और मैंने वहां पे फेसबुक के पेज में डाला है। आपको फेसबुक का लिंक बड़े आराम से लेट्स लर्न ग्रुप करके है, अराउंड हमारे 12,000 मेंबर्स हैं, वी आर ऑल देयर, तो उसमें हम कीप ऑन स्टडिंग दैट मटीरियल। तो हम यहां से लेके चले तो रैली यहां तक है। अगर तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप हुआ, इफ देयर इज अ रैली बेस्ड ड्रॉप, अगर हम मान लो कि माय व्यू इज बुलिश, मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि मैं बैंक में पिकेट बुलिश, व्हाट इफ आई गो रॉन्ग, सो व्हाट शुड आई डू इट। इसका मतलब कि टोटली गलत होगा, तो देयर इज अ लेवल फ्रॉम वेयर टिल द बैंक निफ्टी कैन फॉल। ये थोड़ी की वैसे गिरे। आप इधर देखिए, बड़े ध्यान से देखें, मैं आपको रैली का पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मार्केट ऊपर चढ़ी, एंड देन इट फेल डाउन लाइक दिस। यहां से ऊपर चढ़ी मार्केट एंड इट फेल डाउन, तो दिस इज ए रैली काइंड ऑफ ए पैटर्न। ये नीचे से एक ऊपर चढ़ी है हमारा पैटर्न, साइडवेज गई मार्केट, इसको भी तो हम फ्लैग कह सकते थे, ये ब्रेक करता ऊपर जाता नहीं गया पर ये नीचे आया, तो दिस इज ए काइंड ऑफ एन आइलैंड पैटर्न विच इट फॉर्म्स। इस पैटर्न को हम कहते हैं कि ये कंसोलिडेट होने के बाद फ्लैग का फेलियर पैटर्न है। So we can have a failure from here and the market can turn the other way also for us. So मैं अभी ये सारी drawings हटा रहा हूँ, so that we are clear with the chart. So the same way is, ये हमारा flag pattern है, बन रहा है, जो हम पहले अभी discuss कर रहे थे। ये हमारा flag यहाँ पे 30 minutes से चला है। अगर खुदा ना खास्ता ये breakdown होती है, so this is the level from where the bank Nifty will come and meet us here. So the first level where we will see the bank Nifty coming and touching here. So on the lower side, I am looking at bank Nifty. If flag pattern fails, then we will see rally or island kind of trading. Kind of pattern we will see it, and the target for us on the lower side is 34,750, which is approximately 800 points or 700 points from this level downside. आप इसको 5-10 point हो सकते हैं, आपके कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, but ये हमारा एक मिनिमम हम देख रहे हैं लेवल्स। हम इसको 1 आवर पे भी कन्वर्ट करके देखते हैं, तो 1 आवर में भी आप देखें आपका इसी लेवल पे बैंक निफ्टी आके रुक रही है। सो आपके हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आ जाए 5-10 पॉइंट करके। सो हाउ टू डू इट, हाउ टू ट्रेड ड्यूरिंग दिस दीज टाइम्स।
अब नोबडी नोस, यहाँ पे भी तो फ्लैग पैटर्न हुआ है, तो हाउ टू ट्रेड देम। तो इसमें आपने छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना 15 मिनट्स में। अब आपको अगर तो अपसाइड ब्रेक हो गया तो आपको अपना टारगेट पता है, सो यू कैन डू इट, यू कैन बाय कॉल और आप नीचे की या पुट एक शॉर्ट कर दें। सो जो कॉल राइटर्स हैं, सॉरी जो पुट राइटर्स हैं, वो नीचे से पुट शॉर्ट कर दें, सो वो बाहर हो जाते हैं। आई विल सजेस्ट 34,700-500 से अंदर आने की जरूरत नहीं है। टू बी सेफर साइड, हम एटलीस्ट जो हमारा पिछला लो लगा है 34,440-400 से हमें अंदर नहीं आना चाहिए। सो पुट राइटर्स कैन यूज दिस लेवल एज अ रेफरेंस, एंड जो कॉल ऑप्शन बायर्स हैं, दे कैन टेक इट समवेयर ऑन बुक, ये 36,000 एट ATM लेंगे, अगर ये ऊपर मूव करती दे कैन गेट गुड रिवॉर्ड्स फॉर इट। पीपल हु बिलीव इन स्ट्रैंगल्स, जो मेरा फेवरेट होता है, जो मैं वीकली एक्सपायरी स्ट्रैंगल्स करता हूँ, मैं अपने पर्सनली जो रेंज रखूंगा विल बी 36,700, मैं सॉरी हम 36,100 का हमारा अपर लेवल था, सो आई विल कीप 36,400, दैट इज 1000 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। ऑन द कॉल साइड आई विल वालों के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ से हम मार्केट को किसी एक तरफ जाते हुए देख रहे हैं। एंड ऑप्शन बायर्स कैन यूज एन ATM ऑप्शन टू बाय ऑन द आइदर साइड। एट दिस लेवल यहाँ पे 36,398 से पहले ऑप्शन बायर्स शुड नॉट इंटरवीन टू बाय ए पुट, और जो 35,600 के ऊपर ही कॉल बायर्स को जब एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और आपका कोई मोमेंटम इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे RSI हो सकता है या स्टॉक RSI हो सकता है, अगर वो करते हैं तो आप ये यू कैन टेक द ट्रेड इन दिस डायरेक्शन। This is totally my personal opinion. I do not recommend any kind of thing. Is agar main trade karta to main aise karunga, zaruri nahi hai ki aap wahi follow karo jo main kya tha. Since I am not SEBI registered, I am only advising you, kindly see these patterns in live markets and then try to trade it. So the more you try to learn, the better it is for you. So you can join us, you can see the other videos on the YouTube with our channel, and then you can try to learn whatever you want to learn, because humne bahut sari cheeze free mein sab free rakhi hai. Main koshish karunga ki main aapko bank nifty pe ek bada different sa view hamesha dun, jo ek technical ya aap kitab mein dhoondna chahte ho wahi main aapko view de raha hu. So if you like it, please like the videos and you can share with your friends. Thank you, everybody, and see you next time. Thank you.